अंकिता, एक गिलास पानी लेते आना। जी अभी लाई। बहू। जी माँ जी। आज खाना बनने में इतना देर क्यों लग रहा है? देखो कितना टाइम हो गया। माँ जी खाना बस थोड़ी देर में बन ही जाएगा, आप बैठिए मैं लेके आती हूँ। ठीक है। अरे भाई का फोन। हाँ छोटे बोल ना। दीदी कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी एकदम अच्छा हूँ। और मम्मी पापा कैसे हैं, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैंने इसलिए तेरे को फोन किया था ना, तो इस राखी आ रही है ना मुझको राखी बांधने। हमेशा की तरह पोस्ट से राखी मत भेजना। भाई तू कैसी बात कर रहा है, तुझे तो मालूम है ना त्योहार की दुनिया में कितना काम रहता है, मैं कैसे आ पाऊंगी? वो सब मुझको नहीं मालूम। अगर इस राखी नहीं आई ना तो मैं तो कभी तेरे से राखी नहीं बंधवाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात करके देखती हूँ। ठीक है, तू बात कर ले और आ जा। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगी ना। चल ठीक है, रखता हूँ। चल बाय। सुजीत बेटा हाँ माँ। जरा प्रतिमा बेटा को फोन लगा के दो ना, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। ठीक है, ये लो। हेलो बेटा, कैसे हो? मम्मी प्रणाम। खुश रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। 15 दिन के बाद राखी आने वाली है बेटा, तू अभी तक आई नहीं। आ जाऊंगी माँ, आप टेंशन मत लो, 1-2 दिन पहले आ जाऊंगी मैं राखी के। अरे बेटा 1-2 दिन पहले नहीं, कोई अपने माँ के घर 1-2 दिन पहले आता है क्या? अभी कल के कल तू आ जा। ठीक है माँ मैं देखती हूँ। ठीक है देखती नहीं हूँ, कल के कल सुबह मुझे चाहिए तू बेटा यहाँ। ठीक है माँ कल सुबह मैं आ जाऊंगी। ठीक है। माँ जी खाना बन गया है। अरे माँ जी आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? खुश होने वाली बात तो है ना बहू, कल जो मेरी बेटी आने वाली है। हाँ माँ जी खुशी की बात तो है। माँ जी मुझे भी आज घर से फोन आया था, छोटे का बोल रहा था इस राखी घर आ जाऊं। वो क्या है ना 3 साल से उससे मिली नहीं हूँ, तो वो मिलने की जिद कर रहा है कि इस बार घर आके ही राखी बांधूं। तो क्या मैं जाऊं? नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती राखी में, त्योहार आ रहा है, कितना सारा काम है घर पे, और मेरी बेटी भी तो आ रही है। आते के साथ क्या उसको घर के कामों में लगा दूंगी? और इतना बड़ा कोई त्योहार नहीं है कि तुमको पल पल मायके जाना है, जाओ जाके घर का काम करो। वैसे मैं कौन होती हूँ तुमको ये सब इजाजत देने वाली? घर का मालिक तो हमारा बेटा है ना, जाओ जाके उससे पूछो, अगर वो कहता है जाने को तो चली जाना। जी माँ जी। सुन लेंगी कि 2-4 मेहमान क्या आने वाले हैं, इनको फट से मायके भागने का मन करता है। बेटा हाँ माँ। कहीं जा रहा है? हाँ थोड़ा बाहर जा रहा था। बाहर जा रहा है तो कुछ मिठाइयाँ ले आना। मिठाई क्यों? अरे बेटा तेरी बहन आने वाली है। अच्छा हाँ देखो कितना खुश हो रहा है, और एक वो है ननद आ रही है, ये सुनते ही उनको मायके जाना है। क्या जमाना आ गया है, लोग घर ही में अपना पराया करने लग गए हैं। सुनिए। हाँ बोलो। मैं क्या सोच रही थी कि इस बार राखी में मैं भी अपने मायके हुआ। मम्मी पापा से बहुत दिन हो गए हैं मिली नहीं हूँ, और भाई भी बहुत जिद कर रहा था इस बार की राखी मैं घर जाके ही बांधूं। क्या मैं घर जा सकती हूँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुमको, त्योहार आ रहा है, घर में इतने सारे काम है, कौन करेगा? अगर तुम चली जाओगी तो मैं करूंगा या वो बूढ़ी औरत। तुम जाओ पानी लेके आओ, थोड़ा काम क्या पड़ जाएगा इनको, बस मायके जाना रहता है। अरे दीदी आप आ गई। कैसे हो भाभी? मैं अच्छी हूँ, आप बैठिए ना मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे सुनिए दीदी आई हैं। आ गए आप? हाँ कैसा था सफर? मस्त। कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ मम्मी ने दिखा दे दी। अरे मम्मी मंदिर गई हैं, तुमको तो पता ही है ना ये टाइम। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ अंकिता की किचन में हेल्प करा देती हूँ। ठीक। भाभी आप अपना सामान क्यों नहीं पैक कर रहे हो? आपको नहीं जाना क्या राखी के लिए अपने मायके? वो दीदी अगर मैं चली गई तो घर का काम कौन करेगा, और वैसे भी माँ जी ने और इन्होंने मना किया है। भाभी आप पिछले बार भी नहीं जा पाई थी, और घर का काम तो रोज रोज का होता है, ये सब आप छोड़ो। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी को जाने दो, मैं भाई से बात करती हूँ, वो मम्मी को मना लेगा। ठीक है? ठीक है। भाई मैं तेरे से गुस्सा हूँ। क्यों बहन? तुझको तेरी बहन हर राखी में चाहिए, और भाभी का क्या, उनका कोई भाई नहीं है क्या? हाँ तो जा भाभी से बात कर, और उनको भी राखी में घर भेज। ठीक है मैं अभी जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। अंकिता जी तैयार हो जाओ, तुमको मायके छोड़ देता हूँ, राखी है ना।
ठीक है। शादी के बाद एक लड़की तो अपने ससुराल को अपना लेती है, लेकिन क्या ससुराल उसे अपनाता है?